नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेती हैं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार और बड़ी खबरों को। जानेंगे सारी खबरें, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक करें और हाँ, खबर को आखिर तक जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश में कार्ड धारकों को दिवाली से पहले राशन के साथ मिलेगी चीनी भी, जाने बांटने की डेट। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अगस्त का राशन व वितरण 20 से 31 अक्टूबर के बीच होगा। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों को जुलाई, अगस्त व सितम्बर की चीनी 18 रुपए प्रति किलो की दर से दी जाएगी। वहीं इस संबंध में अभी खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने आदेश जारी कर दिया है। डार्क वेब के खतरों पर उत्तर प्रदेश में अलर्ट, खुफिया एजेंसियों ने किए कई बड़े खुलासे, जाने क्या है और कैसे बचे। जी हां, आपको बताने की डार्क वेब देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। खुलासा हुआ है कि डार्क वेब पर ड्रग तस्करी के साथ ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आतंकी संगठन AK-47 व अन्य खतरनाक असलों की खरीद फरोख्त और बड़ी बड़ी कंपनियां का डाटा किडनैप कर रैनसम मांगने की घटनाएं धड़ल्ले से हो रही हैं। बता दिए कि नतीजा यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के DGP को इस पर पूरी पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं बता दें कि हैरत यह है कि देश के अधिकांश राज्यों की पुलिस डार्क वेब को लेकर पूरी तरह IT विशेषज्ञों से लैस नहीं है। उत्तर प्रदेश की अमेठी की 10,000 महिलाओं के लिए स्मृति ईरानी ने भेजा दिवाली गिफ्ट, इन्हें मिलेगा। जी हां, बता दें कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अभी अमेठी की 10,000 महिलाओं को दिवाली गिफ्ट भेजा है। बता दिए कि केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि विजय गुप्ता 10,000 साड़ियों, दिया और धूप पत्ती की खेप लेकर अमेठी पहुँच रहे हैं। वही उन्होंने इसे उत्थान सेवा संस्थान के साथ ही भाजपा युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और महिला मोर्चा को सुपुर्द किया है। बता दें कि इनके माध्यम से पूरे लोकसभा क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों को इन्हें वितरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय, भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री पूरन देसवरी ने की योगी की तारीफ। जी हां, बता दें कि भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री श्री पूरन देसवरी ने अभी कहा है कि भाजपा की सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय है, यह आगे भी अच्छा रहे इसकी चिंता की गई है। बताने कि अभी भाजपा के राज्य मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने यह कहा है कि भाजपा का मूल सिद्धांत अंत्योदय है। मोदी सरकार की सभी योजनाओं के केंद्र में इसलिए गरीब ही है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शानदार काम किया है, यही कारण है कि 80% महिलाओं ने चुनाव में भाजपा का साथ दिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग 60 मकान मालिकों को भेज दिया है नोटिस। यह बताने की उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर शहरी क्षेत्र में है। वहीं शहरी क्षेत्र में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती हुई मरीजों की संख्या में डेंगू के 4 मरीज मिले हैं। वहीं चारों मरीज नगर निगम के रहने वाले हैं। बताने की इसके बाद से कुल मरीजों की संख्या 59 पहुंच गई है। इनमें केवल 2 मरीज भर्ती हैं, जबकि अन्य मरीजों का इलाज घर पर ही चल रहा है। जानकारी के लिए बताने की डेंगू पीड़ित मरीजों में 2 युवक, 1 युवती और 1 बच्ची शामिल है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अभी अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं शहर में अब तक 60 से अधिक मकान मालिकों को नोटिस भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट शहरों की तरह स्मार्ट होंगे गांव, ऐसे महायोजना से बदल जाएगा उत्तर प्रदेश के गांव की सूरत। जी हां, बताने के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अभी ये कहा है कि स्मार्ट सिटी तर्ज पर स्मार्ट गांव विकसित किए जाएंगे। वहीं ग्राम्य विकास के अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि मिलकर यह अभिनव काम प्रदेश में करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि मनरेगा गरीबों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने का सबसे अच्छा माध्यम है, गांव के विकास की महायोजना बनाई जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री ने उपरोक्त बाती पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में आयोजित मनरेगा में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से संबंधित 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर कही। उत्तर प्रदेश में इन जिलों में मक्का और बाजरा की खरीद शुरू, जाने कितना मिलेगा समर्थन मूल्य। जी बता दें कि उत्तर प्रदेश में मक्का एवं बाजरा की खरीद शुरू हो गई है। मक्का का 1962 प्रति क्विंटल और बाजरा का समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, अलीगढ़, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलिया, जौनपुर, देवरिया, सोनभद्र एवं ललितपुर में मक्के की खरीद की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ गाजियाबाद प्रयागराज में कूड़े से बनेगी सीएनजी, दूर होंगी गंदगी, रोजगार भी मिलेगा। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के चार बड़े शहरों में कूड़े से सीएनजी बनाई जाएगी। वहीं लखनऊ गाजियाबाद प्रयागराज में प्लांट लगाने की मंजूरी मिल गई है, जबकि गोरखपुर अभी कतार में ही है। बता दें कि अभी अभी यह फैसला लिया गया है कि इन शहरों में पीपीपी मॉडल पर सीएनजी प्लांट बनाएंगे। इनमें रोजाना 34,000 किलो सीएनजी बनेगी। इसे बनाने में रोजाना करीब 1,000 टन कचरा इस्तेमाल होगा। वहीं बता दें कि शासन की कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने इसकी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नाव डूबने से एक शिक्षक की मौत, 4 लापता, 9 लोगों ने तैरकर बचाई जान। सीएम योगी का आदेश, तेजी से पहुंचाए राहत। जी बता दें कि अभी अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में भीमकुंड गंगा घाट पर नाव डूब जाने से प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षक की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य शिक्षक लापता है। वही बता दें कि नाव पर सवार रहे 9 लोगों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचा ली है। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी अभी घटना का संज्ञान लेते हुए अफसरों को युद्ध स्तर पर राहत पहुँचाने का निर्देश दे दिया है। कश्मीर में आतंकियों ने ली उत्तर प्रदेश के कन्नौज के 2 मजदूरों की जान, जिला प्रशासन अलर्ट पर। यमता ने की मजदूरी के लिए कश्मीर गए उत्तर प्रदेश के कन्नौज के 2 लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी है। कश्मीर के शोपियों में बता दें कि आतंकियों ने 2 मजदूरों को मार डाला है। वहीं वारदात की जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला प्रशासन भी वारदात के बाद अलर्ट हो गया है। जानकारी के मुताबिक कन्नौज के ठटिया थाना के दन्नापुरवा गाँव के रहने वाले 50 वर्षीय राम सागर और 40 वर्षीय मनीष कुमार मजदूरी का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों को सस्ते मकान का मिलेगा तोहफा, इतने प्रतिशत की छूट। जी बता दें कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक 31 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि बोर्ड की बैठक में फैसला हुआ तो उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ते मकान का तोहफा मिलेगा। वहीं आवास विकास के प्रदेश में करीब 10,000 फ्लैट खाली हैं। कीमत अधिक होने की वजह से इनके ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि आवास विकास बल्क में एक साथ 25 से 50 फ्लैट खरीदने वालों को 25% तक छूट दे रहा है, जबकि अकेले एक फ्लैट खरीदने वालों को कोई छूट नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में दिवाली पर रोडवेज का ऐलान, लगातार 10 दिन तक बस चलाओ, 4,000 का इनाम पाओ। जी हां, बता दें कि दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर रोडवेज प्रबंधन ने कंडक्टर, ड्राइवरों और कार्यशाला में तैनात स्टाफ के लिए इनामी योजना लागू की है। बता दें कि 22 से 31 अक्टूबर तक यानी 10 दिन तक लगातार बस चलाने करने वाले कंडक्टर और ड्राइवर को 4,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं 9 दिन पर 3,150 रुपए मिलेंगे। हालांकि यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो रोज 300 किमी या इससे अधिक की दूरी तय करेगा। उत्तर प्रदेश में दिवाली पर नए नोटों की बढ़ी डिमांड, 500 से 1,000 में बिक रही 1 रुपए की गड्डी। घबराए नहीं, रिजर्व बैंक से सीधे आपको आएगा फोन। जी हां, बता दें कि इस दिवाली भी नए नोटों की जबरदस्त मांग है। पिछले साल की तरह इस बार भी इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। बता दें कि पिछले साल 10 रुपए की गड्डी 1200 से 1500 तक बिकी थी और इस बार यह 1600 रुपए तक पहुंच गई है। बता दें कि 1 रुपए की नई गड्डी 500 से 1000 में बिक रही है। ऐसे में नोटों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने को रिजर्व बैंक ने नया तरीका निकाला है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है कि दीपावली के बाद दस्तावेजों में दर्ज नंबरों पर रैंडम कॉल करके पूछेगा कि ग्राहक को वास्तव में नई गड्डी मिली है या नहीं। किसानों को दिवाली गिफ्ट, गेहूं की एमएसपी में 110 रुपए का इजाफा, अन्य 5 फसलों के भी बढ़े दाम। जी बता दें कि दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसानों को गिफ्ट दे दिया है। केंद्र सरकार ने अभी अभी 2023 और 24 सीजन के लिए 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। वहीं बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने गेहूं के एमएसपी में 110 रुपए और जौ में 100 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस तरह गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। खराब सड़क के चलते हुआ एक्सीडेंट तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, जाने नितिन गडकरी का प्लान। यह बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण खराब सड़क के चलते होने वाली घातक या गंभीर दुर्घटनाओं को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगा। बता दें कि अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में शामिल NHAI प्रतिनिधियों की लापरवाही पर गंभीरता से विचार किया है। बता दें कि संदेही के कारण ही यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। NHAI की ओर से जारी सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि रोड मार्किंग, रोड साइनेज, क्रैश बैरियर जैसे सुरक्षा कार्यों को पंच सूची में रखकर सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। इसमें न सिर्फ यात्री की सुरक्षा से समझौता होता है, बल्कि दुर्घटना, मौत होने पर NHAI का नाम भी खराब होता है।
उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंक के खाते से उड़ाए 150 करोड़ रुपए। जांच शुरू, लोगों के लिए बंद किया गया परिसर। जी हां, बता दें कि जांच शासन ने कर्मचारियों की मिली भगत से उत्तर प्रदेश के हजरतगंज स्थित सहकारी बैंक के खाते से 150 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। बैंक के अधिकारियों ने अभी अभी साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराए हैं। वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें कि पुलिस बैंक के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जाँच कर रही है। परिसर आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि ग्राहक बाहर से लौटाए जा रहे हैं और 7 से 8 खातों से पैसा निकलने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबाएं। धन्यवाद।